फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हिट्स कॉलोनी पिलर नंबर 213 राजेंद्र नगर हैदराबाद। हाय नाजिन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी शाह आलम की सदारत में डॉक्टर बीआर अंबेडकर एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में सदर एसोसिएशन अलाउद्दीन, नायब सदर राजेश्वरी, सेक्रेटरी परमिला देवी और मोहम्मद सुल्तान गुलशानी दीगर ने शिरकत की। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। ज्वाइन करें ना, ज्वाइन करने से पहले मेरे को 5 एकड़ जमीन अलॉट हुआ। आपका हुआ ना? हाँ, पहले सुन लो, आप ज्वाइन नहीं होने से पहले अंबेडकर के आप ज्वाइन नहीं होने से पहले हमें 5 एकड़ जमीन अलॉट करा लिए। अलॉट करा लेके मैं कोर्ट को गया। कोर्ट को जाने के बाद में कोर्ट में हम FDC से लड़े, फिल्म कॉरपोरेशन डेवलपमेंट से, गवर्नमेंट से लड़े। लड़ने के बाद गवर्नमेंट क्या बोल के डाली, मैं आपको 5 एकड़ जमीन दिए, काउंटर डाली, 5 एकड़ जमीन आपको दिए। दे देने के बाद काउंटर डाली हम जी, उसके हम बोले दे दिए तो फिर केस हो गया। फिर हम जब काम लेके गए बल्दिया वालों को कि चलो भाई आप रोड वगैरह डालो, तो बल्दिया वाले पूरे आए। हर किसी को मालूम है, सलीम साहब को मालूम है, इनको मालूम है, सबको मालूम है रोड का उटका हो गया। चंद्रकला मैडम, उन्होंने एक पिटीशन डाल दिए बल्दिया में, नहीं होना। फिर हम कोर्ट को गए, हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में स्टेटस को मेरे को दिए सो है, वो जमीन हमारी जैसे कि वैसी अभी पड़ी हुई है। सब जमीन गवर्नमेंट की जितनी जमीन थी ऑलरेडी सब एक्वायर जमीन कर लिया गवर्नमेंट। हमारी जमीन पे गवर्नमेंट को आने का वो नहीं है, क्योंकि कंटम में भूख है। क्यों? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, MRO, म्यूनसिपल कमिश्नर, ये कंटम में भूख रहने से दोनों वहाँ पर नहीं जा सकते। लोगों को यहाँ पर फिर एक दावत, पूरी मीडिया को बुलाऊँगा, पूरा मीडिया को बुला के चंद्रशेखर राव साहब के पास प्रगति भवन को पूरे लोग उन्होंने देने जाएंगे, ले लेके सबको। हमको ये मेरा राइट्स है, मेरा राइट्स है। अब तेलुगु देशम के पीरियड में हमको अलर्ट हुआ, कांग्रेस के पीरियड में मेरे को कोर्ट को जाना पड़ा, चंद्रशेखर राव के पीरियड में ऑर्डर लेके आए, लेके आए साहब। सुनिए, बहुत पते की बात बता रहा हूँ। जब चंद्रशेखर राव को TRS पार्टी बनाए तो उनका हम साथ दिए, हम स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल का हम उनका साथ दिया, उनकी लीडरशिप मजबूत थी, हम उनके साथ चलते थे, तो उन्होंने तेलंगाना ले लिए। ये दलितों की पार्टी है, ये दानिशमंदों की पार्टी नहीं है, संविधान निर्माता की पार्टी है ये। आज ये हमसे हमारा आज जो बोलने का हक है ना, हमारे बाबा साहब ने दिया। आज हम जो यहाँ बोल रहे हैं ये बोलने का भी हक हमको बाबा साहब ने दिया, आपको भी हक बैठने का बोलने का हक बाबा साहब दिए। तो आपका लीडरशिप मजबूत होना, आप अपने हक के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे, आप भीख नहीं मांग रहे, ये अपने दिल से निकाल लो। वो हमको कोई भीख में दे रहा नहीं, दे रहा भीख मांग भी नहीं रहे, हमको चाहिए भी नहीं। हम बाबा साहब को मानने वाले, हम भीख नहीं लेते, हक छीन के लेते। हमको छीनना आता, हमको भीख मांगने नहीं आता, हाथ पसारने को नहीं है, छीन लेने का आदत है वो है, क्योंकि हमको हक है, क्योंकि हमारे बाबा साहब की पार्टी है, बाबा साहब के नाम पे है, जमीन भी बाबा साहब के नाम पे है, शाह आलम साहब के नाम पे नहीं है। और किस लिए रुक रहा है वो बोलिए। कोर्ट में ऑलरेडी जजमेंट हो गया था, गवर्नमेंट 5 एकड़ दे दी, बोल के डाल दी काउंटर केस। हम अमन और शांति से हमारे लोगों के खिरोच नहीं आना, ये खिरोच ऐसे सालों नहीं करते, सुनो नहीं आना। जब ये बात सही है जो आप बोल रहे हैं कि सालों, अभी कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है, स्टेटस को है, गवर्नमेंट जाना नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर कंटम बुक है, कलेक्टर के ऊपर बुक है, हाँ MRO के ऊपर बुक है, म्यूनसिपल कमिश्नर के ऊपर बुक है, और कितनों के ऊपर कंटम बुक कराओ। कंटम क्यों बुकवा, मेरी चीज़ है बोल के भाई, मेरा हक है, मेरा चीज़ है बोल के कंटम इनके ऊपर बुकवा, क्यों गए वहाँ पे? आप हर संडे मीटिंग अरेंजमेंट आप करो। आपको जब अभी आने के बाद प्रगति भवन जाने की हम तैयारी है पूरी मेरी। अब आप जैसे हमारे CM जब TRS पार्टी बना के कैसा काम कर दिया, अब BRS बना के उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते,
आप एक जमीन का टुकड़ा लेने के लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा, उन्होंने बीआरएस बना लिए, टीआरएस जाके आप अपना टुकड़े पे घर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे आप लोग, आपसे बड़ा बदकिस्मत कौन हो सकता हमारे को बिठा के तो देखो। इसके लिए क्या है, आपको ना हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता और आप फाइट करना पड़ता, आपको इतना फाइट करना पड़ता, क्या होता एक ही बार पैदा हुए एक ही बार मरते, बार बार नहीं बताइए, बार बार मरने से अच्छा एक बार मरना, एक बार फुल बेहतरीन लड़ लेना, सीएम से भी साहब से भी लड़ लेना, क्या करने का अपने को, लड़ेंगे हम तो तैयार है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हमको सीएम साहब नहीं पहचानते, हमको बहुत अच्छा पहचानते, मैं वही बाड़ी में उनके साथ काम करा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, सत्तार भाई भी है, इन्होंने भी आज भी लगे हुए हैं लोग। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।